नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो होगा वो बालों के ऊपर होगा। हेयर पैक दोस्तों हर चीज़ फ़ायदा करती है, नेचुरल है तो फ़ायदा करेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या है, जैसे 45 से 50 35 में जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं, जैसे हम लोगों के बाल हैं जो सफ़ेद हो चुके हैं, उनको पूरी तरीके से कभी भी काला नहीं किया जा सकता। एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा बहुत पसंद है, बहुत सारे पेड़ लगे हैं, तोड़ो पीसो और फटाक से बाल में लगा लो। कुछ भी अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ एलोवेरा लगाइए, मैं गारंटी देती हूँ कि एक एक बाल आपके मजबूत होंगे। जो छोटे छोटे हो गए ना बाल झड़झड़ के, वो भी बाल मजबूत होते हैं फ्रेश एलोवेरा से। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए ले करके आती ही रहूँगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहली चीज़ होगी चुकंदर, ठीक है। चुकंदर में चुकंदर का जो रस होता है उतना डार्क होता है दोस्तों कि मतलब अगर आप बालों में लगाएंगे ना तो बाल एकदम डार्क मतलब दिखने लगते हैं, एक मैरून रेडिश कलर आता है। और इसमें क्या क्या डाल के बनाऊंगी ये देखते रहेगा। इसको कसूंगी इस तरह से करके कि ये अच्छी तरीके से आ जाएगा कलर। तो इसमें मैं अब इसको कस के मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा कलर आएगा दोस्तों। इस तरह से इसको कस लीजिए, पीस पीस काट भी सकते हैं, लेकिन ये क्या है ना कि इससे बहुत जल्दी सारा कलर निकल आएगा। ये दोस्तों देखिए, इसको सब कस लिया है, देखिए हाथों का रंग देखिए, बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा कलर इससे आता है दोस्तों। जब आप अपने बालों में इसे लगाते हैं, स्किन पे लगाते हैं और खूब खाइए, ये खून बढ़ाने की मशीन है, खाते भी रहिए। अब इतना पानी लेना है आपको, पानी ले लीजिए, कम से कम एक गिलास पानी ये है, एक गिलास से ज्यादा होगा कम नहीं है। अब पूरा चुकंदर जो है इसमें डाल दीजिए पानी में, देखते रहिएगा दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ही अच्छा ये आता है कलर। मैं बना के लगाती हूँ, मैं भी लगाती हूँ, मेरी बेटी भी लगाती है, क्योंकि ये है पूरी तरीके से 100% नेचुरल, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसमें क्या डालना है ये जरूर देख लीजिएगा। अब इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच कलौंजी का पाउडर, कलौंजी को पीस लीजिए और इसमें डाल दीजिए, क्योंकि सब अभी जब होगा ना तो सब कुछ छनेगा, देखिएगा किस चीज में मिला के लगाती हूँ। कलौंजी दोस्तों बालों को डार्क तो करता ही करता है, लेकिन अगर आपके बाल झड़ हैं, जैसे बेबी हो जाता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो उसे रोकने के लिए कलौंजी तो ऐड करना बनता है। जरूर डालिएगा कलौंजी, आधा चम्मच नहीं एक चम्मच भर के डाल दीजिए कलौंजी। अब इसमें दूसरी चीज क्या जाएगी दोस्तों, दूसरी नहीं तीसरी, आंवला का पाउडर। ये पृथ्वी पे अकेला मात्र ऐसी चीज है कि आपको आपके जो बाल हैं उसको डार्क कर सकता है। इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, अकेले ही काफी है दोस्तों। अगर आपके थोड़े थोड़े बाल डार्क होने मतलब सफेद होने लगे हैं आपके, या बच्चों के होने लगे हैं, तो ये अकेली चीज है। लोहे की कड़ाही में रात में भिगो दीजिए, सुबह लगाइए, देखिए अपने बालों को, 1000% गारंटी दे रही हूँ कि अगर शुरू में शुरुआत है तो यही चीज है जो आपके बालों को डार्क बना सकती है। तो इसमें लेती हूँ आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है, ये लीजिए और ले लेते हैं, ये लेना है। अब इसमें चौथी चीज जाएगी जो अपने आप में भी बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, कैफीन होता है, वो होती है चाय पत्ती। चाय पत्ती में भी कैफीन होता है, डार्क करने की क्षमता होता है चाय पत्ती में, बालों को डार्क बनाता है। तो इसलिए चाय पत्ती का ऐड करना तो बनता है, बालों को झड़ने से भी रोकता है, कलर तो देता देता है लेकिन बहुत ही ज्यादा बालों में फायदा भी करता है, इसलिए चाय पत्ती का यूज जरूर करें। अब इसको क्या करना है, इसको चढ़ा देना है, ये पकते पकते कम से कम ये आधा हो जाए, उसके बाद मैं छानूंगी और दिखाऊंगी कि किस चीज में मिला करके किस तरह से आपको क्या करना है, वीडियो देखते रहिएगा। इसको चढ़ाने जा रहे हैं फिर दिखा दोस्तों। अब इसको कस के खौलाते हैं, जब कस के खौल जाएगा इसको गाढ़ा कर लीजिए, जितना अच्छा तरीके से खौलेगा ना ये जो पानी है ना उतना ही अच्छा डार्क कलर आएगा इसमें। अब क्या करते हैं, ले लीजिए एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा दोस्तों। बालों में कितनी भी प्रॉब्लम है, कितनी भी प्रॉब्लम हो, बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है रुक ही नहीं रहे हैं, ये एलोवेरा फ्रेश दोस्तों आपके बालों के लिए वरदान है ये, बिल्कुल ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी कोई भी हेयर पैक जब बनाएं या फेस पैक बनाएं, इसमें फ्रेश एलोवेरा का यूज आप जरूर करिए, आप देखेंगे कि आपके बालों की कायाकल्प हो जाएगी। अगर आपके यहाँ एलोवेरा है तो आप उसका यूज दोस्तों जरूर करें। इस तरह से चम्मच से निकाल लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाएगा। तोड़ करके थोड़ी देर के लिए काट के इसको रखिएगा जरूर, इसका पीला पीला जो है पॉइजन उसको निकाल जरूर दीजिएगा, ये खुजली होगी। अब क्या करना है, मिक्सी के जार में डाल दीजिए, डालने के बाद इसको पीसना है, क्योंकि जब पीस जाता है ना दोस्तों तो जो इसके तार होते हैं ना, लम्स होते हैं ना, वो इसके तार टूट जाते हैं और छानने से तो बिल्कुल ही टूट जाते हैं। इस तरह से करने से पानी बहुत कम लगता है, जब आप बाल धोएंगे तो पानी बहुत कम लगेगा और आपके बालों में ये लगाते भी बनेगा।
चाहे हेयर पैक बनाएं चाहे फेस पैक बनाएं, इस तरह से पीस कर छानिएगा ज़रूर, तो बहुत ही अच्छा आपको लगाते बन जाएगा। बस ये हो गया है, देखिए कितना अच्छा निकल आएगा, एक भी तार आपको इसमें दिख नहीं रहे होंगे, है ना। अब देखिए ये जो है इस तरह ठंडा हो गया, इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिए। अब इसको छान लीजिए, कितना गाढ़ा हो चुका है, इसको छान लीजिए अच्छी तरीके से, छान छान के दोस्तों पूरा पानी इसका निकाल लीजिएगा, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा पानी। अब इसमें मैं डालूंगी एक पैकेट, एक चम्मच समझ लीजिए कॉफ़ी पड़ेगी इसमें। कॉफ़ी ऐसे ही डालिए, उबालते समय ना डालिए, ऐसे डालिए नहीं, उबालते समय डालना चाहें तो उबालते समय डाल लीजिए, बरसात में इसी तरह की कॉफ़ी सही होती है, वो बहुत जल्दी सील जाती है। तो इसको कॉफ़ी मिला लीजिए, और भी डार्क कलर हो जाता है जब कॉफ़ी इसमें पड़ जाती है दोस्तों, कॉफ़ी भी जो है बहुत डार्क कलर देता है। तो ये हो गया है। अब इसमें जो आपने एलोवेरा ये बनाकर एलोवेरा का पानी रखा है, अब इसको छानने से एलोवेरा ये हो जाता है ना, जो इसमें तार होते हैं वो इसके तार छानने से, मिक्सी में डाल के पीसने से तार इसके टूट जाते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से लगाते बनेगा, नहीं बिल्कुल लगाते नहीं बनता है, धोने में भी समस्या होती है। अब इसको इसी में मिला दीजिए, इससे क्या होगा कि आपके बाल बिल्कुल जड़ से मजबूत भी होंगे, अगर गिर रहे हैं तो गिरेंगे भी नहीं, और झड़ रहे हैं वो भी नहीं टूटेंगे, बाल डार्क तो होंगे ही होंगे, डबल चीज जब डबल काम होगा एलोवेरा डालने से, ठीक है। तो इसका शैम्पू से धोएंगे तो ये मतलब पूरा कलर निकल जाएगा, जैसे मेहंदी हाथों में लगाई जाती है तो छोड़ दी जाती है, जैसे जैसे हवा लगती है तो वैसे वैसे डार्क कलर होता जाता है, तो वैसे ही ये कलर होगा जब आप बाल में लगाएंगे, उसके बाद इसको मतलब छोड़ दीजिएगा, धोइएगा नहीं बाल। मैं तो धोती ही नहीं हूँ, मैं तो दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पूरा दिन बाल रात भर में धोती नहीं, क्योंकि इसको लगाने के बाद बिल्कुल पता ही नहीं चलता मैंने कुछ लगाया है कि बाल धोएं हम, ऐसा लगता नहीं मुझे, तो मैं धोती नहीं हूँ, तो बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। आप भी ऐसे ही करिएगा कि बाल धोइएगा नहीं, दूसरे दिन पानी से धोइएगा, शैम्पू से मत धोइएगा, छोड़ दीजिएगा, हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, देखिएगा क्या सुंदर कलर आपके बालों में आता है। अगर आप चाहें तो इसमें हिना मेहंदी, एक हिना ही मेहंदी है जो बालों को मतलब नेचुरल कलर देती है और व्हाइट नहीं करती, बाकी सब में केमिकल मिले होते हैं, चाहें तो आप हिना मेहंदी इसमें मिला लीजिए, लगा लीजिएगा, और भी बेस्ट कलर आपके बालों में आएगा, और थोड़ा थिक भी हो जाएगा और लगाते भी बनेगा। वैसे मैं तो ऐसे ही पूरा लगा के जूड़ा लगा लेती हूँ, और मसाज करेंगे और आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस बहुत ही अच्छा जेल है दोस्तों, ऐसे लगाते इस तरह से लगा लीजिए, इस तरह से लगा लीजिए, लगाने के बाद इसको छोड़ दीजिए, पूरे रात के लिए जरूर छोड़िएगा, तभी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा दोस्तों। तो बस इसी तरह से बना लीजिए।